खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून के चलते हो रही आपदाओं को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता पक्ष पर कोई तैयारी न करने का आरोप लगा रही है। इसके तहत ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपदा के जो हालात हैं उसे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के लिए सरकार ने पहले से कोई ठोस कदम नहीं उठाए और ना ही कोई तैयारी की है। ऐसे में कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के वक्त में सभी लोग चिंतित और परेशान हैं, सरकार प्रभावितों तक पहुंचकर उन्हें मदद कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड में जो आपदा की स्थिति है उसको सरकार जिस गंभीरता से लेना चाहिए उसको ले रही है। पहले तो करेला ऊपर से नहीं चढ़ा, पहले तो आपकी आपदा से निपटने की तैयारियां नहीं थी और लगातार बार बार आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस आपदा के बारे में सरकार को चेताती रही। वनाग्नि के बारे में भी हम लगातार चेताते रहे, नहीं माने। उसका नतीजा ये रहा कि 2500 एकड़ से ज्यादा, हेक्टेयर से ज्यादा पूरे जंगल राज्य में वो आग के भेंट चढ़ गए। और अब बारिशों के मौसम में पहले दिन मैंने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैंने कहा था कि बारिश शुरू हुई है और पहली बारिश में ही हालत खराब हो गई थी। आज जब बारिश अपने चरम पर है, पूरे राज्य के अंदर टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, कुमाऊं मंडल के तमाम जनपद हो, तराई का इलाका हो, सारी तरफ चारों तरफ आपदा ही आपदा है, बुरे हालात है। बूढ़ा केदार में आप देख लो कितना बुरा हाल है, उसके बाद आप घनसाली में देख लो कितना बुरा हाल है, आप उत्तरकाशी में देख लो कितना बुरा हाल है, और केदार घाटी में तो ऐसा लग रहा है मिनी 2013 हो गया। देखिए, मेरा विपक्ष के जितने साथी हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि राजनीति के स्तर को थोड़ा बना के रखना चाहिए। एक आपदा का समय है, हम सब लोग चिंतित हैं और उस सबको लेकर जो परेशान लोग हैं, जो दुखी हैं, जो दुख दर्द में हैं, उनका दुख दर्द दूर करना है। कम से कम ऐसे समय पर विपक्ष के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय पर किसी तरीके से वहां पर लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। और मुझको एक बात कहते हुए बड़ी संतुष्टि है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनके खान पान की व्यवस्था, उनको अगर कंबल देना है कंबल की व्यवस्था, उनको दवाइयों की वितरण की व्यवस्था, सब हमारे वहाँ कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हैं। मेरा विपक्षी साथी उससे भी ये आग्रह है कि वो जरूर इस वक्त मदद करें, सहयोग करें, सहायता के काम में लगे। राजनीति करने का जब समय आएगा उस वक्त राजनीति करें तो अच्छा रहेगा।